पेशे से एक समय में टीचर होने के कारण मोहन की अकल काफी ज्यादा तेज थी। उसने 30 से ज्यादा औरतों की हत्या की थी। रात में वो उन औरतों के साथ सेक्स करता था। वो कड़ी प्लानिंग के साथ औरतों का शिकार करता था और उस ढोंगी की बात मानकर अब वो अपनी जान गंवाने वाली थी। जून 2009 में एक दिन कर्नाटका के हसन बस स्टॉप के महिला शौचालय के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। इस भीड़ का कारण ये था कि कई घंटों से टॉयलेट का दरवाज़ा अंदर से लॉक था और बार बार खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं था। आखिर दरवाज़ा तोड़ा गया और अंदर एक दुल्हन जैसी चमचमाती साड़ी पहनी औरत की लाश पाई गई। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। 2009 का ये किस्सा यूनिक नहीं था, क्योंकि 2003 से लेकर 2009 के बीच कर्नाटका और केरला के मशहूर बस स्टॉप्स के टॉयलेट्स में ऐसी कई अनजान औरतों की लाशें पाई गई थी। क्या इन औरतों ने सुसाइड किया था या उनकी किसी ने हत्या की थी? ये कहानी है उस इंसान की जिसके वजह से उन औरतों की ऐसी हालत हुई। ये कहानी है मोहन कुमार की, उर्फ साइनाइड मोहन की। साल 2009 में केरला के बंटवाल तालुका में कम्युनल राइट्स चल रहे थे। अराउंड द मंथ ऑफ जून अनीता नाम की एक लड़की वहाँ के बारीमार गांव से गुमशुदा हो गई थी। ये बात लोगों को पता चलने पर एक ऐसी अफवाह फैल गई जिसे पुलिस को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। अफवाह ये थी कि अनीता को एक मुस्लिम लड़का भगाकर ले गया था फॉर लव जिहाद। इस कारण अनीता के गांव से 150 लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने पुलिस को ये धमकी दी कि अगर अनीता को ढूंढना शुरू नहीं किया गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पुलिस ने आसपास के शहरों में जाकर जब जांच की तब ये पता चला कि कर्नाटका के हसन बस स्टॉप के पास एक शौचालय में एक औरत की लाश पाई गई थी। लाश की आइडेंटिटी अनीता से मैच हो गई और अब पुलिस इस हादसे की गहराई में जांच करने लग गई। अनीता के कॉल रिकॉर्ड्स निकालने पर अनीता के गायब होने से पहले जिससे सबसे ज्यादा उसने बात की थी वो नंबर आइडेंटिफाई किया गया, जो था मदिकरी में रहने वाली कावेरी का। चौंका देने वाली बात तो ये थी कि कावेरी भी मार्च से गुमशुदा थी। कावेरी के कॉल रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा कॉल किया गया नंबर था कासरगोड की पुष्पा का। पुष्पा भी पिछले एक साल से गुमशुदा थी। इस तरह एक के बाद एक ऐसी गुमशुदा औरतों की चेन बनती चली गई। लेकिन इन सब के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि वो सारे नंबर्स एक वक्त में मैंगलोर के एक गाँव में एक्टिव थे। पुलिस ने उस गाँव पर रेड डाली। रेड के दौरान 3 मिनट के लिए उनमें से एक नंबर एक्टिव मिला। ये ट्रेस हुआ एक जवान लड़के धनुष तक। पूछताछ करने पर धनुष ने यह बताया कि वो नंबर उसे उसके चाचा मोहन ने दिया था। पुलिस का शक ये था कि ये कोई रैकेट का लीडर होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अब एक चौंका देने वाले राज से पर्दा उठने वाला था। पुलिस ने मोहन का करंट नंबर पता लगाकर ये जाना कि वो किसी सुमित्रा से लंबी बातें कर रहा था। पुलिस इमीडिएटली सुमित्रा तक पहुंची और उसके साथ मिलके उन्होंने एक जाल बिछाया। सुमित्रा के जरिए मोहन के लोकेशन का पता लगाकर पुलिस ने उसको मैंगलोर के घर से उसको अरेस्ट कर लिया। मोहन की चुप्पी तोड़ना पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, पर मोहन के काले छिट्टों को समझना काफ़ी मुश्किल और शॉकिंग था। मोहन कुमार कनियाना में 1963 में जन्मा ये आदमी 1980 से 2003 तक एक स्कूल टीचर था। उसने 3 बार शादी भी की थी। मोहन की पहली बीवी मैरी उसकी ही स्टूडेंट थी। उसके डिवोर्स देने के बाद उसने मंजुला और श्रीदेवी से शादी करी। मोहन हफ्ते में कुछ दिन मंजुला के साथ रहता और कुछ दिन श्रीदेवी के साथ। मोहन की एक कोवर्कर 2003 में बैंगलोर के पास नेत्रावती नदी में गिरकर मर गई। गिरने से पहले वो उस नदी के किनारे मोहन के साथ बात करती हुई देखी गई थी। मछुआरे ने इस केस के जांच के दौरान ये बयान दिया कि मोहन ने उस औरत को नदी में धक्का देकर गिरा दिया था। दूसरी तरफ मोहन का ये कहना था कि वो औरत उसे शादी करने की जिद कर रही थी। मना करने के बावजूद भी उसने मोहन का पीछा नहीं छोड़ा था। इसी बात को लेकर दोनों में नदी किनारे झगड़ा हो गया और तभी उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गई। लेकिन मोहन ने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? ऐसे सवाल उठे और मोहन के खिलाफ गवाह होने के कारण उसे गिरफ्तार करवा लिया गया। इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान मोहन जब जेल में था उसकी मुलाकात एक सुनार से हुई। पूछने पर मोहन को ये पता चला कि वो सुनार इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि अपने गहने साफ करने के लिए जो साइनाइड का इस्तेमाल उसने किया था वो सल्यूशन उसने केयरलेसली डिस्पोज कर दिया था।
इसी कारण 8 गाय और बकरियों की हत्या हो गई थी, क्योंकि उन्होंने गलती से वो साइनाइड सॉल्यूशन कंज्यूम कर लिया था। मोहन को हैरानी हुई कि सुनार ऐसी भी कोई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे कुछ ही पलों में किसी की भी जान जा सकती है। कस्टडी में रहते हुए मोहन ने कन्फेस किया कि उसने 30 से ज़्यादा औरतों की हत्या की थी। मोहन ने पुलिस को बताया कि कैसे वो हर बार सेम तरकीबें इस्तेमाल करता था। वो ऐसी औरतों को टारगेट करता जो अपने लेट 20s या अर्ली 30s में होती और छोटे गांव में रहती थी। ये वैसी औरतें थी जिनकी शादी दहेज के लिए पैसे ना होने के कारण नहीं हो पा रही थी। मोहन ऐसी औरतों से पहचान बनाता था और उनसे फेवरेबल रिस्पॉन्स मिलने पर उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखता था। वो अपने आप को अलग अलग नामों से इंट्रोड्यूस करता और अपने आप को एक सरकारी ऑफिसर बताता था। इसे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पे कोई भी औरत सवाल नहीं उठाती। पेशे से एक समय में टीचर होने के कारण मोहन की अकल काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। वो कड़ी प्लानिंग के साथ औरतों का शिकार करता था। मोहन उनके कास्ट के बारे में भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता और अपने आप को भी उसी कास्ट का बताता था, जिससे उसे औरतों का भरोसा जीतने में बहुत ज़्यादा आसानी होती। थोड़े दिन तक बातचीत कर वो एक दिन कॉल करता और उनसे कहता, चलो हम भागकर शादी कर लेते हैं। मोहन ने उन्हें इस तरह मैनिपुलेट किया होता था कि वो यूजुअली शादी के लिए मान जाती, और जो नहीं मानती उन्हें वो ये कहता कि शादी करने के बाद तुम्हारे परिवार को मनाना भी आसान हो जाएगा। ये सोच के वो औरतें उसकी हाँ में हाँ मिला ही लेती। मोहन उनसे अपने गहने और कुछ पैसे लाने के लिए बोलता था, ये कहकर कि शादी करने और घर बसाने के लिए उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। मोहन उन्हें शाम को मिलता था और रात बिताने के लिए उनके घर से दूर किसी लॉज में ले जाता था। वो ये कहता कि सुबह का मुहूर्त शुभ होता है और तब हम शादी करेंगे। रात में वो उन औरतों के साथ सेक्स करता था। मोहन इतना शातिर था कि वो अपनी टारगेट के पीरियड साइकिल का भी ट्रैक लगाता था, जिससे उसका प्लान फुल प्रूफ रहे। जब अगले दिन ये सारी औरतें शादी के लिए तैयार होती तो मोहन उन्हें गहने पहनने से मना कर देता, ये कहकर कि बाहर चोरी का डर है। इस वजह से औरतें अपने पैसों के साथ गहने भी लॉज में ही छोड़ देती थी। मोहन उन्हें पास के बस स्टॉप पे लाता था, ये कहकर कि वहाँ से वो मंदिर जाने के लिए बस लेंगे। बस के लिए वेट करते हुए मोहन अपने प्लान का आखिरी और सबसे खतरनाक पड़ाव को अंजाम देता था। वो औरतों को एक टैबलेट देता जिसे वो कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भरोधक बताता था। वो कहता कि टैबलेट लेने से उल्टी हो सकती है, इसलिए टॉयलेट में जाके लेना सही होगा। इससे उसके साथ खड़ी औरतें आसानी से मान जाती और टैबलेट लेने के लिए पास के पब्लिक टॉयलेट में चली जाती थी। लेकिन उन मासूम औरतों को नहीं पता था कि उनके होने वाले पति ने उन्हें साइनाइड यानी जहर से कोटेड टैबलेट्स दी थी, और उस ढोंगी की बात मानकर अब वो अपनी जान गंवाने वाली थी। मोहन कुछ समय वहां पर रुककर लॉज पर आ लौटता था। वहां से गहने और पैसे लेकर वो अपने अगले शिकार की प्लानिंग करने के लिए निकल जाता था। अपने पिछले टारगेट्स के मोबाइल्स को भी वो साथ में लेके जाता और दूसरी औरतों को फंसाने में उन्हीं मोबाइल्स का इस्तेमाल करता था। जब कभी उसकी विक्टिम की बॉडी पाई जाती, उसे सुसाइड का केस माना जाता था। आगे की कार्रवाई में कोई भी एविडेंस ना मिलने के कारण पुलिस उस केस को बंद कर देती थी। दूसरी तरफ औरतों के घर वाले बदनामी के डर से पुलिस में उनकी बेटियों की गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराते थे, और इसी उम्मीद में जीते कि एक ना एक दिन उनकी बेटी फिर से लौट आएगी। मोहन के कन्फेशन के बाद पिछले कुछ सालों में रिपोर्ट हुई ऐसी अनसॉल्व डेथ्स के फाइल्स रीओपन किए गए और ऐसे 20 केसेस के पीछे मोहन का हाथ होने का सबूत मिला। जब सेशंस कोर्ट में मोहन का ट्रायल शुरू हुआ तो उसने सबको हैरान कर दिया। कोर्ट में उसने ना सिर्फ अपने गुनाहों को अपनाने से इनकार कर दिया, बल्कि बिना किसी लॉयर के उसने अपनी केसेस खुद लड़े। कोर्ट में मोहन के बयान हर वक्त बदलते थे, और वो ये कहता कि उसने उन औरतों को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने सुसाइड किया था क्योंकि मोहन ने उनसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया था। मोहन बड़े चालाकी से अपने चार्जशीट्स की लूपहोल्स को कोर्ट के सामने रख कर अपना ट्रायल खींचता रहा, लेकिन 40 से ज़्यादा विटनेसेस, 80 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स और मोहन से बरामद हुए 30 एसेट्स के बेसिस पे उसे उसके अपराधों की सज़ा सुनाई गई। मोहन को कुछ
केसेस में उम्र कैद के साथ हजारों के जुर्माने की सजा सुनाई दी और कुछ में उसे फांसी की सजा दी गई। इसके बाद मोहन ने हायर कोर्ट्स में फांसी की सजा के अगेंस्ट मर्सी पेटिशंस फाइल की। 2-3 केसेस में उसे ऑलरेडी फांसी से छुटकारा मिल चुका है और बाकी के केसेस अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं। मोहन के परिवार के लिए आज भी उसके इन अपराधों को मानना मुश्किल है। मोहन कुमार साइनाइड मोहन क्यों बना, ये भी सबके समझ के बाहर है। आज हिंदलगा जेल में बंद मोहन हर दिन लॉ की किताबें पढ़ के अपनी सजा को कम करने का उपाय ढूंढते रहता है। मोहन 6 सालों तक एक सुनार बनकर सिर्फ 250 रुपये किलो के हिसाब से बिना लाइसेंस के साइनाइड खरीदता रहा और उसने मासूम औरतों को टारगेट बनाकर 20 से भी ज़्यादा औरतों को मार डाला। साइनाइड मोहन के इस केस ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में औरतों को मारता गया और लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उन केसेस पर ढंग से कार्रवाई कभी नहीं की गई। अगर पुलिस ने पहले ही आपस में कोऑर्डिनेट किया होता तो शायद मोहन काफ़ी पहले पकड़ा जाता और कई सारी जानें बच सकती थी। वहीं अगर साइनाइड को हासिल करना इतना आसान नहीं होता तो क्या वो इन घिनौनी हरकतों को कभी भी अंजाम दे पाता? आपके इस पर क्या विचार है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल रास को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अनकही अनसुनी और अनदेखी कहानियाँ।